स्टूडेंट आज पढ़ेंगे ननट इक्वेशन। ननट इक्वेशन का की जरूरत हमें किस लिए पड़ी? ननट इक्वेशन अगर कोई टेम्परेचर अगर हम देखें टेम्परेचर का 298 है एंड कंसंट्रेशन 1 मोल का, प्रेशर 180 है, मतलब हमने अगर इस तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन मैच ना करे इसलिए हमें ननट इक्वेशन का उपयोग करना पड़ा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो टेम्परेचर 298 नहीं है, प्रेशर 180 नहीं है, कंसंट्रेशन 1 मोल है। अब हम ननट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यानी W बराबर, W यानी क्या है वर्क डन, वर्क डन बराबर क्या है क्यों अपान क्यों गुणे V, बट क्यों बराबर हम यहाँ पर लेंगे NF, NF यानी N बराबर मोल, F बराबर फैरेड, V, V क्या है पोटेंशियल, E सेल यानी नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, W बराबर गिफ्ट फ्री एनर्जी लेंगे माइनस डेल्टा जी, गिफ्ट फ्री एनर्जी यानी सिस्टम में दी गई कुल एनर्जी, सिस्टम उसका जितना उपयोग कर ले उसके बाद सिस्टम में बचा हुआ एनर्जी को हम गिफ्ट फ्री एनर्जी कहते हैं। तो माइनस डेल्टा जी यानी इसे हम गिफ्ट फ्री एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पर जिसका एन एन है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ एफ है फैराडे, वी पोटेंशियल, डेल्टा जी गिफ्ट फ्री एनर्जी, W यहाँ पर है वर्क डन, E सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे ये डेल्टा, ये क्यों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो Q बराबर क्या था NF, V बराबर E सेल, W बराबर माइनस डेल्टा जी, तो यहाँ पर हम ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस डेल्टा जी NF E सेल। अब देखो यहाँ पर अगर माइनस हम इस तरफ कर दें तो ये क्या हो जाए NF E सेल। This equation is called Nernst equation. इसे हम कहते हैं Nernst equation. अब अगर इसे standard condition में लिखा जाए तो delta G standard बराबर minus NF E cell. E cell है यानी standard condition में है. तो यहाँ पर होगा delta G gives free energy change in standard condition. E यानी E cell E not standard electrode potential. E cell. अब E cell को क्या कहेंगे यहाँ पर non standard electrode potential हो जाएगा यहाँ पर delta G. नॉन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होगी। अब हम दोस्तों अगला कोर्स करेंगे यानी अब इसके आगे का, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जहां पर हम डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन क्यू। अब यहां पर ये डेल्टा ये गिफ्ट फ्री एनर्जी है स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड कंडीशन, सॉरी फॉर दैट, यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगी ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगी। और यहां पर आर क्या है हमारा, आर क्या है गैस कांस्टेंट, जिसे हम आर यानी गैस कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट दे रहा है जिसका मान 3.8.314 जूल मोल केल्विन। यहां पर टी क्या है हमारा, टी है टेम्परेचर, अब एल एन को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन को हम लिख सकते हैं लॉग ई, और लॉग ई को क्या लिखेंगे, लॉग ई को हम लिख सकते हैं लॉग एन। अब हम यहाँ पर वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन में किए थे यानी देखा जाए गिब्स फ्री एनर्जी के वैल्यू क्या थी स्टैंडर्ड कंडीशन में, क्या आई माइनस एन एफ ई जीरो सेल। और इसके बाद स्टैंडर्ड कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है एन एफ ई सेल
जहां पर हम ए जीरो अगर उसे लगा है तो उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर जहां पर ए जीरो नहीं लगा है उसे क्या कहेंगे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब हम ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू डेल्टा जी जीरो और डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे, यानी इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये वैल्यू जब यहां पर पुट करेंगे तब आगे का इसके यहां पर ये वैल्यू रखेंगे एन एफ ई सेल बराबर डेल्टा जी के यहां पर हम ये वैल्यू रखेंगे एन एफ E cell plus R T L M Q, क्योंकि बाकी हम पीछे का हिस्सा ले लेंगे। अब यहां पर देखा जाए तो इक्वेशन को हम अगर बराबर करना चाहेंगे तो N F से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम N F से मल्टीप्लाई कर दें माइनस N F से दोनों बच्चों में तो यहां से माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी यही कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस एन एफ ऊपर की तरफ नहीं है तो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा ई सेल बराबर ई सेल प्लस आर टी एल एन क्यू एन एफ। अब हम ln का मान रखेंगे यहाँ पर, ln का मान यहाँ पर कितना दिया था ऊपर, ln का मान था log e, log e का मान कितना था 2.303 log 10। अब ये मान हम यहाँ पर रखेंगे तो e cell बराबर e cell plus rt, इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा nf into 2. लाग 10 क्यों, ये क्यों क्या हमारे ये क्यों है रेट कोफिशिएंट यानी क्यों। अब हम अगर देखें तो इस वैल्यू को ये माइनस जो यहां पर था माइनस से अगर इसको गुणा करेंगे माइनस प्लस का मल्टीपल कितना होगा माइनस, तो इसको माइनस कर सकते हैं तो ई सेल बराबर ई सेल माइनस आर टी एन एफ बाकी का सेम रहेगा लॉग 10 क्यों। अब हम एक पॉइंट लिखा रहने देंगे और बाकी का फिर से इरेज कर देंगे। अगर इस वैल्यू में अगर हम 2.303 को अगर इस साइड ले आए तब आगे ई सेल माइनस आर डी पांच एन एफ लॉग 10 क्यू। हमारा इक्वेशन नारायण इक्वेशन हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर अगर दिया है टेम्परेचर अगर 298 दिए हैं, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में सॉल्व करना है या न्यूमेरिकल रिएक्शन करने के लिए तो टेम्परेचर अगर 298 तो हम इसको इसका वैल्यू रख देंगे आर बराबर कितना दिया था अभी आर बराबर 8.314 जूल मोल केल्विन, टी बराबर कितना है 298 केल्विन। अब हम यहाँ पर किसका वैल्यू पता करेंगे n, n का वैल्यू नहीं पता है, यह है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर इसके बाद हम ये वैल्यू इसमें रखेंगे और जब एक या बराबर में 1 फैरेड बराबर होता है 96,500। अब हम ये वैल्यू यहां पर रख देंगे आर का मान यहां पर रख देंगे टी बराबर टेंपरेचर यहां पर पुट कर देंगे एन का वैल्यू भी यहां पर पुट कर देंगे एफ का वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आएगा समीकरण यहां पर लिख रहे हैं इस सेल बराबर इस सेल माइनस
आर टी जीरो एन एफ का मान कितना है यहाँ पर, सॉरी आर का मान यहाँ पर रखना है मान, तो आर का मान यहाँ पर कितना है, आर का मान है 8.314, ए का कितना है 298, एफ का कितना मान है। अब हम ये इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका पूरा अगर सॉल्व करेंगे वैल्यू तो ये सेल बराबर ये सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 क्यों, ये वैल्यू आएगी। लेकिन ये वैल्यू तब आएगी जब हमें क्वेश्चन या समीकरण में अगर टेम्परेचर पूछ, टेम्परेचर कितना दे, टी बराबर 298 केल्विन, यानी हमारा नन प्रिपरेशन पूरा हुआ कंप्लीट। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।